करेंगे, मिलकर काम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी और उसका चेहरा कौन रहेगा? नहीं, जो एक गठबंधन बनेगा तो आप तो शुरू से जानते हैं ना कि हम तो एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए लगे हुए, तो वो तो बन ही जाएगा। अब जैसी बातचीत जितने लोगों से हुई है तो अच्छा करके और फिर सब लोगों की राय से नामकरण भी गठबंधन का हो जाएगा, सब कुछ करके हो जाएगा। तो राहुल जी को साथ में क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, साथ में तो साथ ही रहते ही सब जगह लेके जाते हैं हम साथ। सवाल ये है कि आप शरद पवार साहब से मिलने आए हैं, क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में? आप इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले, एक मिनट, पटिया में रिजाइन कर दिए थे, हम सबको खराब लगा था, और फिर वापिस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो सब का चेहरा हो गया, चेयरमैन का चेहरा, अरे जो भी होगा वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा ना। अभी तो अभी कुछ कहना तो ये उचित नहीं, तो सब बैठे आज खाली मिलकर काम करना, यहाँ तक हम होते हैं, चेहरा मेरा बाद में देखा, हमारा सबका चेहरा हमें मालूम है कि लोग चाहते हैं कि यही चेहरे सामने चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में निकाल लगला, ये खत्म हो गया। पटना में जो बैठक होने वाली है, पटना में जो बैठक होने वाली है उस बैठक में ब्लूप्रिंट के बारे में भी बातचीत होगी, सब क्या कुछ प्लानिंग? भाई अभी जो बैठक होगी ना वो तो उसके बारे में सब आपको समय पर बताएंगे। सवाल है, आप उद्धव ठाकरे जी से मिले हैं, जिस तरीके का उनके साथ पार्टी की जो तोड़फोड़ मरोड़ हुई है और आज कोर्ट का फैसला भी आया है, क्या लगता है कि उसके जैसे व्यक्ति आपके साथ रहने से उनकी पार्टी की ताकत आपको मिलेगी या आपकी वजह से उनकी पार्टी को ताकत? तो आए थे भाई, पवार साहब इसके सवाल के लेकर के होने के लिए लोग आए, बिल्कुल वो तो सारे प्रेस वालों से तो उनकी बातचीत हो ही गई। आज कोर्टात एक निरीक्षण नोंदवण्यात आलं की उद्धव ठाकरेंनी जर